वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अर्ली प्रेगनेंसी के ऊपर। क्या मसाइल हो सकते हैं, कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को, इस पर तमाम तरह डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी प्रोफेसर डॉक्टर आयशा मलिक, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर आयशा, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर आयशा। सबसे पहले तो हम बात करें प्रेगनेंसी और अर्ली प्रेगनेंसी की, तो क्या वजूहत होती हैं, किस तरह से जो आप कह लें किसके नुकसान होते हैं अर्ली कंसीव करने की वजह से, क्या इम्पैक्ट आता है सेहत पर? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली अगर मैं व्यूअर्स की आसानी के लिए प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं यूजली, तो अगर आप 9 माह की प्रेगनेंसी समझें तो उसमें 3 3 मंथ्स, तो पहले 3 माह जो है उसको हम अर्ली प्रेगनेंसी कहते हैं, 3 to 6 मिड ट्राइमेस्टर और जो 6 to 9 है वो लेट प्रेगनेंसी। तो हर ट्राइमेस्टर की अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, बट अर्ली प्रेगनेंसी आई वुड से इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर व्यूअर्स को आसानी हो समझने में, तो आप समझें कि जैसे एक पौधा लगाया जाता है, तो जब आप पौधा लगाते हैं तो शुरू में आपको उसकी ज़्यादा निगहदाश्त करनी पड़ती है। आप पानी भी देते हैं, आप खाद भी देते हैं, आप उसकी टेम्परेचर का, गर्मी का ख्याल रखते हैं, इसीलिए ताकि उसकी जड़ें पक्की हो जाएं। जब एक दफ़ा जड़ें पक्की हो जाती हैं तो नॉर्मली वो प्लांट फिर ठीक चल जाता है। आप प्रेगनेंसी को भी इसी कॉन्टेक्स्ट में समझें कि जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तो बच्चे की कनेक्शन अब माँ की खून की नालियों के साथ बन रहा होता है और वो पलना शुरू होता है। समझते हैं कि एक बीज लगाया गया है जिसने एक पूरा पौधा बनना है। सो डैट लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर या अर्ली प्रेगनेंसी है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस के बच्चा बढ़ ना सके, उसकी ग्रोथ ना हो, या मिसकैरेज का डर हमेशा होता है। इसीलिए इस ट्राइमेस्टर को हम समझते हैं कि इसमें अभी ज़्यादा केयर और मेडिकल चेकअप रेगुलर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर आयशा, अर्ली प्रेगनेंसी जैसे आप बता रही है मेडिकल चेकअप, अब अगर खुदा न खास्ता इस ट्राइमेस्टर में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो फर्दर आने वाले दो ट्राइमेस्टर्स हैं उनमें किस तरह से इम्पैक्ट आता है? अब फर्स्ट तो ये कि ज़ाहिर इससे खैरियत से गुजरेंगे तो आप अगले उस पर पहुँचेंगे। सेकेंड ये कि समझिए आप किसी चीज़ की बुनियाद रखी गई है, तो अगर बुनियाद ही कमज़ोर होगी तो डेफिनेटली आगे भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स चल सकती हैं। हमारे लोगों को ये अवेयरनेस होने की ज़रूरत है कि प्रेगनेंसी में अर्ली बुकिंग विजिट का मतलब है जैसे प्रेगनेंसी का पता चले तो एज सून एज पॉसिबल, लेकिन डेफिनेटली इन फर्स्ट 3 मंथ्स प्रेग्नेंट औरत को चेकअप के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। कई बड़े बूढ़े लोग समझते हैं कि इतनी जल्दी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, जब बच्चे की हरकत महसूस होगी तो तब चले जाएं, तो वो लेट आते हैं। वो हरकत तो महसूस होती है 5वें महीने में, तो कई दफ़ा ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तब तक जिनको आप बाद में जाके सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा डॉक्टर आयशा, हम बात करें तो इसमें तमाम तरह सिनेरियो, जब खातून जल्दी कंसीव भी कर लेती है तो हमारे यहाँ शादी भी जल्दी होगी, कंसीव भी जल्दी कर लिया, तो उस एज में भी बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज भी कर देते हैं, बहुत सारे मसाइल भी होते हैं, उनको भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। जी, इसमें काफ़ी सारी अगर आप ब्रॉड टर्म में सोचें तो मदर की हेल्थ की असेसमेंट और फीटस या आने वाले बच्चे की हेल्थ की असेसमेंट, ये शुरू प्रेगनेंसी से शुरू हो जाती है। और यंग बच्चियाँ होती हैं उनको कई उन्होंने मिसकंसेप्शन उनकी होती हैं कि ये गर्म ठंडा नहीं खाना और एक्टिविटी लेवल कितना होना चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए, मेडिकेशन कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, तो इन चीज़ों की अवेयरनेस सारे इस तरह के हेल्थ प्रोग्राम से भी होगी और स्पेसिफिकली वो आके अपनी डिस्कशन कर सकती हैं। ठीक है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो डाइट का ये होता है कि कई समझते हैं कि जी दूध नहीं पीना गला ख़राब हो जाएगा, और हालांकि आपको पता है मिल्क कितना इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम, बच्चे की सारी हड्डियाँ बन रही होती हैं, एक पूरा वजूद तश्कील होना है, तो उसके लिए जनरली डाइट के हवाले से ये कि बैलेंस डाइट, ईजिली डाइजेस्टेबल, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स यानी आसानी से हजम होने वाली सादा खुराक, उसमें ये जो जंक फूड है बर्गर्स शवारमा ये लोग खाते हैं, इससे उनका पेट में भी इन्फेक्शन जाता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कोई नहीं है, और इससे अंडर कुक मीट से डिफरेंट इन्फेक्शन भी जा सकते हैं। अच्छा, हम डाइट की बात कर रहे हैं, अभी आपने एक्टिविटी की बात की, बहुत सारी खवातीन या लड़कियाँ जो एक्टिविटी बिल्कुल छोड़ देती हैं, समझती हैं बेड रेस्ट है, ये है, कुछ स्पेशल कंडीशंस में तो होता होगा डेफिनेटली, लेकिन ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी होती है? हाँ, आई थिंक यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है, क्योंकि वो जो ज़्यादा ख्याल रख रहे होते हैं वो बड़ी बूढ़ियाँ कहती हैं लेट जाएँ, और हालांकि लेटाने का कोई मकसद नहीं है। सिर्फ मेरे ख्याल 5% ऐसी प्रेगनेंसीज होंगी जिनमें कोई अर्ली प्रेगनेंसी, स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, मिसकैरेज की हिस्ट्री या लो लाइंग प्लासेंटा, कोई स्पेसिफिक कंडीशन हैं जिनमें
रेस्ट इंडिकेटेड है. बाकियों में ये कि अपार्ट फ्रॉम के हैवी वर्क, वेट लिफ्टिंग, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन, वो एडवाइजेबल नहीं. लेकिन रूटीन का चलना फिरना, घर के काम, वो एक्चुअली मदर को हेल्दियर रखते हैं. और उसको जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गैस जो लेट जाती है उनको, फिर डिस्टेंशन, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, वो सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं. बैकएक, वो भी लेट लेट के कमर में शुरू हो जाते हैं. अच्छा डॉक्टर आयशा, आप जो अर्ली प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं, डेफिनेटली आप बेहतर तौर पर बता सकती हैं, कि जो प्री मेच्योर बर्थ्स होती हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो भी क्या इन ट्राइमेस्टर्स में कुछ कॉम्प्लिकेशन की शक्ल में होती है? हाँ जी, अगर अर्ली प्रेगनेंसी में किसी को स्पॉटिंग या ब्लीडिंग का एपिसोड हो तो उसको हम हाई रिस्क में ले जाते हैं. हम समझते हैं कि इस प्रेगनेंसी में लेटर ऑन प्री टर्म डिलीवरी या ब्लीडिंग का लेटर ऑन भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको स्पेसिफिक दवाइयाँ दी जा सकती हैं, लाइफस्टाइल बताया जा सकता है जिससे ये रिस्क अवॉइड हो. जैसे फॉर एग्जांपल अब मेडिकेशन की अगर आप सोचें, तो इसमें भी बच्चियों को समझ नहीं होती कि कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी नहीं लेनी. जनरली ये कि दो एक्सट्रीम्स हैं हमारी पॉपुलेशन में, जैसे हर चीज़ में है. बिल्कुल, कोई लोग समझते हैं कि जी लंबा नुस्खा लिखवा लें और हर दवाई खाएं और वो जो उनको दवाई बताता है वो खाना शुरू कर देते हैं. और एक दूसरी एक्सट्रीम है जो कहते हैं कि कोई भी दवाई नहीं खानी. आई थिंक एक हैप्पी मीडियम ये है कि जनरली वर्ल्ड वाइड ये समझते हैं कि शुरू प्रेगनेंसी में दवाइयाँ कम से कम देनी चाहिए, और क्योंकि उनका इफेक्ट बेबी की ग्रोथ पे होगा जो बच्चा बन रहा है. और कई दवाइयाँ टेरेटोजेनिक हो सकती हैं, यानी बच्चे में वो एनोमलीज पैदा कर सकती हैं, तो एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए. और इसी तरह बहुत सी और एंटी एपिलेप्टिक्स हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी में, शुरू प्रेगनेंसी में तब्दील कर दी जाती हैं या रोक दी जाती हैं. जो दवाइयाँ एडवाइज्ड हैं वो फॉलिक एसिड है और प्री नेटल वाइटामिन्स जिनमें मुनासिब मकदार में आयरन या कैल्शियम हो. ये सिर्फ बहुत टेपर्ड डोज में दी जाती हैं. फॉलिक एसिड का अक्सर लोगों को अब मालूम है भी और इसकी मज़ीद अवेयरनेस हो रही है. वर्ल्ड वाइड इट इज़ रिकमेंडेड कि इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स प्रिवेंट होते हैं, यानी जिनकी अगर ऐसी हिस्ट्री हो, कज़न मैरिज है या बच्चे पैदा हुए हैं जिनके कमर में फोड़ा वो कहते हैं या सर नहीं सही बना हुआ, तो वो चीज़ प्रिवेंट हो सकती है. लेकिन इसको एक्चुअली प्रेगनेंसी से पहले शुरू कर देना चाहिए और शुरू प्रेगनेंसी में जारी रखना चाहिए. आप डॉक्टर आयशा तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, लेकिन इसके अलावा जो हम डाइट की बात कर रहे थे, हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी होंगी आयशा, जो हमें बताएंगी कि प्रेग्नेंट खवातीन को किस तरह की डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए. जी आयशा, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो प्रेगनेंसी या जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, हामला ख़वातीन, इनके लिए कौन सी डाइट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके होने वाले बच्चे के लिए भी जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, वो डाइट कौन सी होगी. सो सबसे पहले तो आपको इन पेशेंट्स को या इन ख़वातीन को लिए कैलोरीज इनटेक जो होता है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी एडिशनल 300 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उसमें एडिशनल 300 कैलोरीज उनकी डेली डाइट में देनी चाहिए. डिफरेंट फूड ग्रुप से कंसिडर करनी चाहिए, सर्विंग्स भी उसी हिसाब से ज़्यादा होती हैं. मीन्स के सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो इनके लिए रिक्वायर होते हैं, वो है आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन सी. आयरन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीजन पास आउट करता है थ्रू द ब्लड. अगर आप आयरन डाइट में नहीं होगा तो बच्चे को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और मदर्स को जो प्रेगनेंसी के दौरान कॉमन इश्यूज हैं, जैसे कि वीकनेस हो जाती है, इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है इन खवातीन में, और बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको टैकल करने के लिए या उसको करने के लिए, उसके लिए आयरन रिच फूड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उनमें मीट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आयरन रिच फूड्स होते हैं. इसके अलावा जो ड्राइड किशमिश है, ड्राइड एप्रिकॉट्स हैं, ये सब कुछ ड्राइड फ्रूट्स हैं, ये भी आयरन रिच फूड्स में शामिल होते हैं. कैल्शियम इनटेक इन औरतों में ज़्यादा होना चाहिए, अबाउट 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम जो है वो रिक्वायर होती है हमला ख़वातीन के लिए. कैल्शियम जो है वो मिल्क प्रोडक्ट्स में, दूध से बनी हुई अशिया जैसे दही है, दूध है, मक्खन, कॉटेज चीज़ है, इन पेशेंट्स को यानी हमला ख़वातीन को कैल्शियम रिच डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए. इसके अलावा फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक बहुत प्रॉब्लम होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो बच्चे में हो सकती है, अगर आप फॉलिक एसिड नहीं ले रहे, फॉलिक एसिड रिच डाइट नहीं खवातीन ले रही. इनमें जो ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स हैं, हरी पत्तों वाली सब्जियां हैं वो, और बहुत सी दालें, दालों में और लोबिया में फॉलिक एसिड ज़्यादा तादाद में पाया जाता है.
तो जो सर्विंग्स हैं वो मैं अब आपको बता देती हूँ कितनी सर्विंग्स डेली रिक्वायर्ड होती हैं डिफरेंट फूड ग्रुप्स की. न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट होनी चाहिए ख़वातीन को लेनी चाहिए. सबसे पहले तो ब्रेड एंड सीरियल जो ग्रुप है, यानी कि हमारी जो अजनास है ज़रिए अजनास, क्योंकि हमारी डाइट का मेन हिस्सा जो है वो इस पर मुश्तमिल होता है, उसके लिए 6 to 11 सर्विंग्स जो होती हैं इन ख़वातीन को लेनी चाहिए, जिसमें रोटी भी आ सकती है, चावल हैं, हमारा पास्ता है, और जो जो का दलिया भी ले सकते हैं, मुख्तलिफ सीरियल्स ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ये सब इस ग्रुप में आ सकते हैं. इसके अलावा नंबर 2 पे आती है हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी सब्जियां और फल. ये हमारी ये इन ख़वातीन को 4 to 5 सर्विंग्स लेनी चाहिए. 4 to 5 सर्विंग्स का मतलब है कि एक सर्विंग एक फल के बराबर है. एक मीडियम यानी एक दरमियाने साइज़ का जो फल हो गया, सेब हो गया, केला हो गया, ये सब कुछ. और सब्जियों में सलाद के ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स जैसे सलाद के पत्ते हैं और बाकी स्पिनिच है, ये ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें फॉलिक एसिड ज़्यादा तादाद में पाया जाता है. मिल्क जो है यानी दूध से बनी हुई अशिया, ये तकरीबन 3 कप इनको लेने चाहिए डेली बेसिस पे. इसमें दूध भी ले सकते हैं, दही की फॉर्म में भी ले सकते हैं और चीज़ की फॉर्म में भी ले सकते हैं. उसके बाद आ जाता है हमारे मीट प्रोडक्ट्स यानी कि गोश्त. इसमें ज़्यादा प्रेफर ये करते हैं कि आप लीन मीट लें, यानी चिकनाई के बगैर ले लें, जैसे चिकन हो गया, फिश होगी. फिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इन ख़वातीन के लिए. एग्स ले सकती हैं. ज़्यादा मैं इस प्रेफर ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप हाई फैट फूड या ज़्यादा चिकनाई वाली अशिया इस्तेमाल करेंगी तो फिर आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा और प्रॉब्लम्स भी हैं जो आपको इस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकते हैं. सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको इन ख़वातीन को ज़्यादा प्रोटीन इनटेक अपना रखना चाहिए. अब क्योंकि 60 ग्राम्स डेली रिक्वायर है इन ख़वातीन के लिए प्रोटीन, और ये डिफरेंट सोर्सेज हैं, मैंने आपको बता दिया, जैसे मीट में है और एग्स में है और मिल्क में भी प्रोटीन ज़्यादा अच्छी तादाद में पाया जाता है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रेगनेंसी के हवाले से आपको इतनी अच्छी टिप्स दे दी. जनाब, अर्ली प्रेगनेंसी हो या किसी भी तरह की प्रेगनेंसी है, आपने उसमें तीनों ट्राइमेस्टर्स में अपना उसी तरह से ख्याल रखना है. फिज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर हिस्सा बनाएं, इन केस अगर आपका डॉक्टर आपकी डॉक्टर ने जो आपको रिकमेंडेशन दी उसके मुताबिक. डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए और सारे फैक्टर्स जो डॉक्टर आयशा और हमारी न्यूट्रिशन दोनों ने आपको बताए, अगर आप इनको मद्देनजर रखेंगे तो डेफिनेटली आप खुद भी हेल्दी रहेंगे और आपका आने वाला बेबी भी हेल्दी रहेगा. अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे पास और भी मेहमान हैं, इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे. अब देखते रहिए जागो लाहौर.